भूषण ज्वेलर्स। जिला मंडी स्थित पदर की छठी गरी पंचायत के शोधगन गांव में भालू ने महिला पर हमला कर उसे मार डाला। महिला मवेशियों को चारा लेने के लिए जंगल गई हुई थी, जहां घात लगाकर बैठे भालू ने हमला कर दिया। घटना का पता चलते ही वन विभाग की टीम घटना स्थल के लिए रवाना हुई। चौहार घाटी क्षेत्र में हर साल सर्दियों के मौसम में आदमखोर भालू के हमले की घटना से दहशत का माहौल बना रहता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छठी गरी पंचायत के शोधगन गांव की चिकडी देवी पत्नी जसवंत सिंह बीते शुक्रवार देर शाम गांव के साथ लगते जंगल में मवेशियों को चारा लेने गई हुई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार छठी गरी पंचायत के शोधगन गांव की चिकडी देवी पत्नी जसवंत सिंह बीते शुक्रवार देर शाम गांव के साथ लगते जंगल में मवेशियों के लिए चारा लेने गई हुई थी, जहां घात लगाकर बैठे जंगली भालू ने महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। भालू ने महिला का पूरा चेहरा नोच डाला। महिला के रात तक घर न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। इस दौरान घर से करीब 200 मीटर दूरी पर महिला का शव मिला। घटना से चिटगेरी सहित समूची चौहार घाटी में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन परिक्षेत्र अधिकारी शिवम रतन, डिप्टी रेंजर शुक्रू राम और वन रक्षक मीना कुमारी सहित अन्य वन कर्मी मौके पर रवाना हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरे लगाकर आदमखोर भालू को पकड़ने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि भालू के हमले की इस साल यह दूसरी घटना है। लगभग 10 दिन पहले चौहार घाटी की लटरान पंचायत में भालू ने एक भेड़ पालक को अपना निशाना बनाया था, जिसका टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है, जबकि वर्ष 2019 में भालू ने लगभग 6 से अधिक लोगों को अपना निशाना बनाया था, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। वन परिक्षेत्र अधिकारी शिवम रतन ने बताया कि राहत मैनुअल के तहत पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा राशि मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भालू को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने का प्रबंध भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।